Let me give you a sense of what was happening inside the Lok Sabha at that very moment. It was the zero hour that was underway, and Maluk Nagar, who is a BSP MP, was among those MPs who actually tried to nab Sagar and Manoranjan when they jumped from the visitors gallery to where the parliamentarians sit. Maluk ji, kya hua tha? Aap usme thoda details bataiye, aur aap logon ne jaakar ke usko pakadne ki koshish kyun ki? देखिए, जो जीरो आवर चल रहा था और 12 बज के करीब करीब 54 मिनट या 55 मिनट हो रहे थे, 5-6 मिनट बाकी थे, तो हमने भी अपना नंबर लिखवा रखा था कि बोलने का आएगा। तो जैसे ही प्रोसीडिंग्स चालू थी तो धड़ोम जैसी आवाज़ आई, हमें लगा कोई गिरा, और पीछे हमारी सीट के पीछे की तरफ वो जहाँ पे दर्शक दीर्घा है वहाँ थी, तो जैसे ही उधर देख ही रहे थे तो ऊपर से दूसरे वाला कूदा, तो एकदम दिमाग में झटका लगा कि ये तो गड़बड़ है कुछ, सर कुछ जान पूछ के डेलिबरेटली ये लोग उतर रहे हैं, और कितने हैं कितने नहीं पता नहीं। तो जो पहले वाला कूदा था वो उठा, और दूसरे वाला जो उठ नहीं पाया जब तक, और वो उठ के जिधर हमारे पार्लियामेंट में व्यवस्था है अंदर जाने की, तो उसमें भाग भी सकते हैं चल भी सकते हैं, वो उस पर ना जाके जिधर एमपी लोग हम बैठते हैं उस पर जाकर के ऊपर कूदता हुआ छलांग 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 जो तीसरी पे कूदा, तो आगे से बेनीवाल भागा, उधर से उठ के मैं भागा, और बाकी जैसे ही नज़दीक पहुँचे तो उसने जूता निकालने की कोशिश करी, और हमारे दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये डर था कि अब यहाँ से सारे लोग एमपी बाहर को भाग रहे हैं, अगर हम भी बाहर भागे हैं तो इनपे वेपन हुआ तो ये तो पीछे से गोली मार देंगे। तो डर इतना था कि शायद डर की वजह से कि इनको वेपन ना निकालने दें, इनके हाथ पैर को पकड़े और जकड़े, इसलिए टूट के पड़े। जब नजदीक गए तो उसने जूता निकाला, और जूता निकालते ही उसमें कोई चीज छेड़ी उसने, और एकदम उसे पकड़ लिया और मारपीट शुरू कर दी। उसके बाद धुआं हुआ। हाँ, उसके बाद धुआं, पीला और नीला नीला सा धुआं हुआ, बहुत बदबू, सब लोग बाहर भागने लगे, तो उसकी पिटाई उटाई की, फिर वो सिक्योरिटी वाले आ गए। तो उसके बाद लेकिन सिक्योरिटी को आने में इतना टाइम क्यों लगा? जो वॉच एंड वार्ड स्टाफ होते हैं अंदर में, उनकी ये जिम्मेदारी है कि फौरन वो मॉनिटर करें, वो बार बार देखते रहते हैं कि विजिटर्स गैलरी में कोई सस्पेक्ट तो नहीं है, कोई अनयूजुअल काम हो रहा है या नहीं, और वहां से कोई कूदता है और उनको समय लग जाता है ये पूरी घटना देखने में। देखिए, एक्चुअली क्या, ये समझना पड़ेगा आपको भी और हमको भी और देश के जो लोग देख रहे हैं आपके टेलीविजन को, अंदर सिक्योरिटी वाला कोई होता ही नहीं है, केवल मार्शल होते हैं जो स्पीकर को डॉक्यूमेंट देने और बुलवाने में कि इसको बुलवाओ उसको बुलवाओ मदद करते हैं। ये कुछ होते हैं जो डॉक्यूमेंट्स को ले जा करके वहाँ प्रोसीडिंग्स जहाँ चालू है वहाँ जा करके रखते हैं, सिक्योरिटी वाला कोई होता ही नहीं है। यही मैं बार बार कह रहा हूँ कि दोबारा से चीज़ों को सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। 2001 के बाद 22 साल के बाद भी हम वहीं खड़े हैं जहाँ 1947 पे खड़े थे, तो सिक्योरिटी के सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए सोचना पड़ेगा कि वहाँ पे अगर मान लो सपोज करो वो 15 लोग कूद जाते, 7 एमपीओ से बनवा के, 8 एमपीओ से बनवा के 16 लोग कूद जाते, दो दो, और 16 के 16 जाकर के सीधा मान लो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं या स्पीकर बैठे हैं उसे पकड़ लें, और फिर क्या ऐसी सिचुएशन आ जाएगी? यू नो, एवरी एमपी कैन अलाउ और साइन ओनली विजिटर्स पासेस फॉर 2 इंडिविजुअल्स। एक एमपी 2 इंडिविजुअल को दे सकता है एक दिन में, लेकिन वो जो चिट्ठी दी जाती है वो लोकसभा सेक्रेटेरिएट को भेजी जाती है, और उससे पहले सीपीआईसी हर कैंडिडेट को या हर आदमी को जो एंटर करना चाहता है विजिटर को, उसको मॉनिटर, वो उसका पूरा सिक्योरिटी चेक होता है। फिर ये एक आदमी के नाम पे 6 कैसे हो गए? ये व्यवस्था भी समझनी पड़ेगी। जर्नली एक एमपी 2 के पास बनवा सकता है, पर विशेष परिस्थितियों में वो ज्यादा के अगर बनवाना चाहे तो अप्रूवल लेगा, ज्यादा के बनवा सकता है। तो एमपी के स्तर पे पास बनवाने के स्तर भी खामी है सिक्योरिटी में, कि जब तक एमपी पर्सनली किसी को नहीं जानता तो नहीं बनवाना चाहिए। तो कई सारी चीजें हैं जिस पे सोच की और विचार की जरूरत है दोबारा से। तो आपको लगता है कि ये सब सारे सोच विचार अब होंगे? और अभी इंडिया ब्लॉक ने ये भी कहा है कि सरकार को बयान देना चाहिए, होम मिनिस्टर को खुद हाउस में आकर के बयान देना चाहिए। देखिए क्या, इसमें मैं एक बात कह रहा हूँ, आपका जो बड़ा एकदम एक चैनल ऐसा जिस पर सब तरह की बिल्कुल आज़ादी रहती है और सब तरह के लोग देखते भी हैं और सब तरह के लोगों को बुलाते भी हो, पक्ष को भी विपक्ष को भी, कई लोग ऐसे हैं जो केवल एक ही पक्ष को बुलाते हैं पहले, तो इसमें क्या है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर ये बात कर रहे हैं 2001 में वो घटना घटी जहां कई लोगों की शहादत दी देश के लिए,
उस पे कल हम फूल चढ़ा के आए। ये 2001 की बात है, 2004 से 2014 तक 10 साल इन्हीं की सरकार थी जो राजनीति कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या अपग्रेडेशन करा था उस बात में जरा बताएं, ये गिरेबान में झांके हैं ये। yes. तो राजनीति नहीं होनी चाहिए, देश सबसे पहले, देश के लोग सबसे पहले। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड शेयरिंग व्हाट रियली हैपेंड।